जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, बहुत बेसिक चीज समझना चाहूंगा, वहां तक पहुंचे कैसे आप? जी ये तो मुझे जनता ने प्यार दिया ऐसे, इसलिए मैं पहुंचा। और मुझे लगता है कि जनता को मेरी स्ट्रैटेजीज और मेरे खेलने का अंदाज पसंद आया, तो इसलिए मैं एंड तक पहुंच गया। नहीं, मैं बिल्कुल शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ, जब मान लीजिए किसी को बिग बॉस का हिस्सा बनना है। जी बहुत सी एंट्रीज आती हैं, अलग अलग तरह के प्रोसीजर होते हैं। जी पारस कैसे पहुंची? मैं 2012 में स्प्लिट्सविला 5 जीता था, उसके बाद ये वायकॉम का ही शो है, तो वायकॉम वालों को लगा कि मैं बिग बॉस के लिए एकदम ऐप्ट हूँ, तो उन्होंने मुझे 2012 से ही फ़ोन करना शुरू कर दिया था। पर बीच में जब मैं थोड़ा 2015 में मैं फिर से जब स्प्लिट्सविला में गया था फॉर सीज़न 8, तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा था कि अब कब करना चाहेंगे, तो मैंने बोला कि अभी 1-2 साल तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, बट हाँ डेफिनेटली आई विल डू द बिग बॉस जब मुझे नीड लगेगी, जब मुझे लगेगा कि मेरा अब टाइम आ गया है थोड़ा और उठने का। तो 2018 में आई वाज थिंकिंग मुझे बिग बॉस जाना है, मुझे बिग बॉस जाना है, मुझे बिग बॉस जाना है, तो 2019 में अपने आप ऑफर आया एंड देन आई वेंट। कैसे लगता, लेट हो गया, पहले आ जाना चाहिए था? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं लेट हो गया हूँ, जब मैंने सोचा था कि मुझे जब जाना चाहिए उसी टाइम पे मैं आया, और मेरा डिसीजन एकदम सही बैठा, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट बैठी, ये सीजन सबसे ज़्यादा हिट हुआ है यकीनन। और इसके कामयाब होने का सहरा भी कहीं आप पे, शहनाज पे, मतलब जो 4-5 लोग जो बहुत अहम रहे हैं। जी जब हम बोलते हैं कि एक एक लाइफ लेके आते हैं, जी जब पारस आते हैं, जी जिस वक्त शो चलता रहा, जी अब ऐसे ही नहीं है पारस छाबड़ा स्ट्रेटेजी? जी देखिए, जैसे आप रियल में हैं वैसे ही रहेंगे, तो मुझे लगता है शो ज़्यादा बेहतर बनेगा, बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो। बिग बॉस में हमने देखा होगा कि काफ़ी कंटेस्टेंट्स झूठ बोलते थे, गलत करते थे, उल्टा करते थे, क्योंकि दे आर स्केर्ड ऑफ देयर इमेज कॉन्शियस होते हैं लोग। तो आई एम नॉट इमेज कॉन्शियस एट ऑल, जैसा हूँ वैसा हूँ, जैसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। तो ये चीज़ लोगों को शायद ज़्यादा अच्छी लगती है, और इस वजह से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और मुझे लगता है कि कलर्स वालों को भी इतना मैं पसंद आया, और बाकी जनता ने भी इतना प्यार दिया है, कि जिस वजह से बिग बॉस खत्म होता ही आई एम डूइंग अ न्यू शो, मुझसे शादी करोगे, जहाँ पे मुझे कलर्स वालों ने ये मौका दिया कि मैं शो के साथ साथ एक अपने लिए लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लूँ अच्छी सी, जो बाहर जो बिग बॉस के बाहर जो भी हुआ वो सब देखने के बाद उनको लगा कि ये लड़का हमारा सबसे अच्छा, तो इसके लिए हमें करना चाहिए इतना, तो उन्होंने किया और इतना प्यार दिया। सीरियस नोट पे सब कुछ होगा, और जस्ट अनदर शो कमिंग इन, इट्स नॉट लाइक कि इट्स अनदर शो कमिंग इन, डेफिनेटली इट्स अ शो जहाँ पे आपको फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे फेमस होने का मौका मिल रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल हो, क्योंकि आपको अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरा रिलेशनशिप कितना अमेजिंग रहा है पिछला वाला, अब जो नहीं है, तो अभी मैं सिंगल हूँ, तो डेफिनेटली अगर कोई मुझे लड़की इम्प्रेस करती है और मुझे भी पसंद आती है, तो डेफिनेटली वाई नॉट, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई एक्टिंग में करूँगा या फिर कोई झूठ करूँगा। कोई लड़की जेन्युइनली पसंद आएगी तो उसे पसंद करूँगा, कोई नहीं आएगी तो उसे जानबूझ के पसंद नहीं करूँगा कभी भी। उनको मेरे पे भरोसा है, उनको पता है कि जो करूँगा सही करूँगा, गलत कुछ नहीं करूँगा, तो उनका उन्होंने बोला कि ठीक है जैसे तेरे को लगे ठीक, वो चीज़ आप करो, बाकी वी ट्रस्ट यू, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट यू एंड वी वॉन्ट कि तुम अच्छा करो लाइफ में। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको बिग बॉस के बाद ही ऐसा शो मिल गया, और आपकी भारी ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको इग्नोर करो और बेटर अपना काम करो। किस तरह के जीवन साथी ढूंढते हैं, ये चाह रखते हैं पारस? जी देखिए, हर एक लड़के को अपनी माँ जैसी ही बीवी चाहिए, तो वैसे ही ढूंढता हूँ कि मुझे मेरी माँ जैसी मिल जाए, जो मेरी केयर करे, मुझे समझे और मुझे वैसे ही रखे। क्या खास तैयारियाँ करेंगे इस बारे में, और क्या किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ऐसे कुछ खास तैयारी है नहीं, क्योंकि बिग बॉस में हमने जितना करना था कर लिया, लोग हमारे अब फैंस बन चुके हैं, वो लड़कियां बिग बॉस देखने के बाद ही आई हैं, तो शायद बिग बॉस में उन्होंने मेरा वो सारे रूप देख लिए हैं, जहाँ पे मैं गुस्सा भी हूँ, प्यार भी किया है, दोस्ती भी करी है, और दूसरों के लिए झगड़ा भी किया, दूसरों के लिए टास्क भी किया, सब कुछ वो मेरी क्वालिटीज़ देख चुकी हैं, और शायद वही क्वालिटीज़ देखने के बाद वो इस शो में आई हैं। बाकी मुझे पता नहीं कि और कौन कौन से लोग इस शो में जुड़ने वाले हैं, इट विल बी अ सरप्राइज़। बाकी जितने अभी हैं बहुत अच्छा है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, और आता रहेगा। आप लोग प्लीज़ देखिएगा 10:30 बजे कलर्स पे, सेम शो, सेम स्लॉट पे मुझसे शादी करोगे। अब इसके बाद आगे क्या तैयारी है, शो का तो आपने बता दिया, क्या यू नो आर यू आइंग अ बिग स्क्रीन,
और इस सम ऑफर द ऑलरेडी देयर इन द पाइपलाइन हु वांट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? ऑफ कोर्स सर, बिग बॉस एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद आपको काफ़ी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, बड़ी स्क्रीन के भी ऑफर आते हैं, काफ़ी आए भी हैं, पर अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है उन लोगों से बात करने का जहाँ पे, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे मैं एक दूसरी चीज़ करने जा रहा हूँ, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए कि मुझे उस शो को अपने लिए कंपेनियन ढूंढते ढूंढते उसको अच्छा भी बनाना है, इंटरेस्टिंग भी बनाना है। तो अभी तक मेरी जो सोच है वो इस शो पे है, इसके बाद देखेंगे क्या ऑफर्स हैं क्या ऑफर्स नहीं हैं। डेफिनेटली करना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू बी ऑन अ बिग स्क्रीन, कौन बड़ा स्टार नहीं बनना चाहता। अभी बिग बॉस इतना फेम मिल गया, अभी दूसरा फेम मैं और लेने चल रहा हूँ, मुझसे शादी करोगे वैसे, तो ऑफ कोर्स इसके बाद कुछ और बड़ा 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 ही चाहिए लाइफ में हर एक को, तो नेवर से नो। कोई दो या तीन डायरेक्टर आपके जहन में जिनके साथ आप काम करना चाहें बिग स्क्रीन, गिवन अ चॉइस? एक तो यशराज बैनर के साथ कौन काम नहीं करना चाहता, हर कोई काम करना चाहता है, प्लस करण जौहर, प्लस संजय लीला भंसाली, एंड वो क्या नाम है उनका, एक्चुअली मैं भी बिग बॉस है ना, मुझे ध्यान भी याद नहीं है, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है, नाम ही नहीं ध्यान, बस ये तीन नाम ध्यान है, रोहित शेट्टी, वो ये उनका क्या नाम है जितने जिंदगी नाम लेके दोबारा बनाई थी, जोया अख्तर, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, मतलब ऐसे कोई भी डायरेक्टर नहीं है मैं जिनके साथ काम नहीं करना चाहूँगा, ये सारे ड्रीम डायरेक्टर्स हैं और हर एक्टर चाहेगा कि हम इनके साथ काम करें और इनकी फिल्म में हम कोई ऐसा रोल भी कर लें जो अच्छा ही जाएगा। आप निजी जिंदगी में जिस तरह के हैं, फुल ऑफ लाइफ और हैपनिंग, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, जी, करते हैं, जी, आपको लगता है रोहित शेट्टी की फिल्मों से ज़्यादा मुतासिर है, उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे? जी देखिए, आपने ऐसी बात बोली तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगा हो तो ऐसा हो गई, और रोहित सर आए भी थे, उन्होंने काफ़ी पसंद भी किया था मुझे, बाकी यू नेवर नो, किस्मत कभी भी खुल सकती है, जैसे बिग बॉस के लिए खुल गई, फिर मुझसे शादी करो के लिए खुल गई, अभी कोई रोहित शेट्टी सर के लिए, कोई रोहित शेट्टी फिल्म्स के लिए मेरी कोई खुल जाए किस्मत फिर से, तो यू नेवर नो। एनी फीमेल डायरेक्टर्स यू वांट टू वर्क विद? ईमेल क्या, फीमेल? हाँ, जिसके साथ काम करना चाहिए। फीमेल डायरेक्टर मुझे जोया अख्तर की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगती है, और मुझे उनकी स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, तो आई वुड लव टू वर्क विद हर, शी इज सुपर्ब। एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहिए? एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन रोमांस करना चाहिए? मैं सबकी शक्लें भी भूल गया यार सर, वैसे तो भी एक ही है जो सबसे ज़्यादा क्यूट है और वो है आलिया भट्ट, तो आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहेंगे, शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और मुझे नहीं लगता इस बॉलीवुड में कोई भी ऐसा एक्टर जो बनना चाहता होगा, जो बना हुआ ऑलरेडी है वो आलिया के साथ काम ना करे, तो डेफिनेटली आलिया भट्ट। आखिरी सवाल, कितनी फिल्मों का ऑफर अब तक आया पोस्ट बिग बॉस? सर मुझे खुद नहीं पता कि कितने फिल्मों का ऑफर आया, पर हाँ दो तीन तो मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा आया ऑफर, और मुझे उनसे मीटिंग भी करनी है, पर अभी सर टाइम ही नहीं है, तो डेफिनेटली पहले एक शो ख़त्म करेंगे उसके बाद वहाँ पे कूदेंगे, और वैसे भी मेरा पेट वेट भी थोड़ा आ गया है, बॉडी वॉडी थोड़ी मेरी ख़राब हो गई, अब यहाँ पे जाके बॉडी बनाएंगे, लड़की पटाएंगे, और फिर उसके बाद शो करेंगे, मूवी करेंगे, मूवी। राहुल महाजन ने भी एक शो किया था इसी तर्ज पे जहाँ उन्होंने शादी की थी, और वो सर ये राहुल महाजन या फिर पुराने जितने भी स्वयंवर हुए हैं उनके जैसा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट शो है, पर एक ये रेफरेंस दिया गया था कि ये वो रेफरेंस का शो है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप जब देखेंगे आपको तब समझ में आएगा, मैं ऐसे बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो बेटर कि आप पहले देख लीजिए। थैंक यू। हाँ।